इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एतमाद वोट से पहले स्पीकर ने 14 एमएलए को ना अहल करार दिया। रियासत असेंबली स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 14 रुकने अमाकिन को ना अहल करार दिया है। उन्होंने यह फैसला ऐसे वक्त लिया है जब रियासत के नए वजीर आला बी एस येडियुरप्पा बरोज पीर असेंबली में एतमाद वोट साबित करने वाले हैं। असेंबली स्पीकर रमेश कुमार ने कहा है कि 11 कांग्रेस और 3 जेडीएस अराकिनों ने दल बदल कानून के दफात की खिलाफवर्जी किया है। कांग्रेस और जेडीएस कायदों ने बागी अराकिनों को नाहल ठहराने की मांग करते हुए असेंबली स्पीकर को अर्जी दी थी। इससे पहले स्पीकर रमेश कुमार ने 25 जुलाई को 3 कांग्रेस अराकिन को नाहल ठहरा दिया था। इस तरह डिसक्वालीफाई किए अराकिन की कुल तादाद 17 हो गई है। यह आंकड़ा तमिलनाडु के पिछले साल के उस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े से सिर्फ एक कम है जहां वह 18 अराकीन को नाअहल ठहरा दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस के बुजुर्ग कायद और साबिक वजीर आला सिद्धरमैया ने ट्वीट के जरिए स्पीकर के फैसले का इस्तकबाल किया है। उन्होंने लिखा है, स्पीकर के इस ईमानदार फैसले से देश के सारे सियासतदानों को कड़ा संदेश जाएगा जो भाजपा के जाल में फंस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती, हालांकि स्पीकर के ताजा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। महाराष्ट्र के एक रिजॉर्ट में मौजूदा जेडीएस के बागी अराकिन में से एक एच विश्वनाथ ने बताया कि एमएलएज को ना हेल ठहराए जाने के फैसले को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कुल 17 अराकिन को ना हेल ठहराए जाने से कर्नाटक असेंबली मेंबरान की तादाद 225 से घटकर 208 हो गई है। यानी अब अक्सरियत के लिए भाजपा को 104 का आंकड़ा पार करना होगा। भाजपा के पास अपने 105 अराकीन मौजूद हैं, एक आज़ाद रुकने की भी हिमायत हासिल, यानी कि कुल 106। दूसरी तरफ कांग्रेस के 65 और जेडीएस के 34 अराकीन है। अगर इकलौते बसपा के एन महेश या मायावती के हुक्म की तामील करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ वोट देते भी हैं तो इससे भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले मायावती की हिदायत की अनदेखी करते हुए एन महेश या श्री कुमार स्वामी के एतमाद वोट के दौरान गैर हाजिर हो गए थे। भाजपा एतमाद वोट जीत सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर इन अराकीन की नाकाबिले यकीन को बरकरार रखने के हक में फैसला दिया तो इन 17 सीटों पर जमनी इंतखाबात होंगे और अपने अक्सरियत बनाए रखने के लिए भाजपा को इनमें से 8 से 10 सीटें जीतनी होंगी। बहुत आसार है कि महाराष्ट्र असेंबली चुनावों के साथ ही कर्नाटक में भी इन सीटों पर जमनी इंतखाबात हों। जब कर्नाटक असेंबली मेंबरान की तादाद पूरी हो जाएगी तो येडियुरप्पा सरकार को अपना वजूद बचाए रखने के लिए कम से कम 113 अराकीन की हिमायत की जरूरत होगी। कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि एमएलए की नाहली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने में देर हो सकती है और इससे पहले ही चुनावों का ऐलान हो सकता है। इस तरह के मामलों में तजुर्बा रखने वालों ने कहा, अपनी अबूरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईनी मामलों पर स्पीकर के इख्तियारात के बुनियाद पर ही चर्चा हो सकती है, और क्या कोई अदालत स्पीकर को इस ताल्लुकात में हुक्म दे सकती है, तो ये सारे मामले एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और आखिरी फैसला आने में कुछ समय लगेगा। विप पर भी फैसला होना है। मशहूर यस आर बम्बई मामले में अदालत को फैसला देने में करीब 5 साल का वक्त लगा था। अदालत ने कहा था कि रूलिंग पार्टी की अक्सरियत राजभवन में तय की जा सकती है और न ही गवर्नर के सामने। अराकीन की परेड के जरिए इसके लिए असेंबली में अक्सरियत ही साबित करना होगा। मौजूदा मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि अदालत यह फैसला भी करेगा कि क्या पार्टी के व्हिप का फैसला उन एमएलएस पर लागू होता है जो स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। कांग्रेस जेडीएस के बागियों की दलील है कि उन्हें इस्तीफा देने के काफी समय बाद व्हिप जारी किया गया था। उधर स्पीकर रमेश कुमार ने साफियों के कई सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, इस बारे में कोर्ट के अहल लोग फैसला लेंगे, मैं इस पर बयान देने वाला कौन होता हूं। इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि मनमानी करने वाले अराकीन नाहलकारी का फैसला इन पर नकील कर सकता है और पार्टी से गद्दारी करने वालों को सबक भी मिल सकता है। शायद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा के कांग्रेस और दिगर पार्टी के अराकीन
शायद स्पीकर के फैसले से डर जाए, वरना पैसा और ओहदा का लालच इन कायद अपने जमीर का सौदा कर देते हैं। तमाम बागियों को नाहल करके जमीर फरोशों को भी इशारा मिल चुका है कि पैसे और लालच के चक्कर में सियासी मुस्तकबिल खतरे में आ सकता है, और उन बेचारे अवाम का क्या जो इन्हीं कायदों के भरोसे अपने ख्वाब को वोट के जरिए मुकम्मल करना चाहती है। सियासी कायद या कौमी कायद अवाम के जज्बात, एहसास, उम्मीद, ख्वाबों का सौदा अपने जाती मुफाद के लिए करते हैं। एक शायर ने इनके इसी पर एक क्या खूब कहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।